सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वह इंसान हो या फिर भगवान। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह के दंत कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं है। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेता है, और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में ये सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर वे अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। अगर आप इस कथा को अंत तक सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स पर जय श्री राम जरूर लिख दें। कथा के अनुसार माता सीता बाल अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बात कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। माता तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार काफी प्रतापी राजा बनेंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में तुम इतना ज्ञान कैसे रखते हो। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज पता है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ, मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें बताओ। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा, और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोते जवाब देते रहे। थोड़ी देर बाद सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, क्यों ना तुम दोनों मेरे साथ मेरे राजमहल में रहो, और तुम्हें वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो मुझे मिलती हैं। सीता जी की ये बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोते ने कहा कि हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजड़े में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा ये मेरे साथ ही रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें, हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने एक ना सुनी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और शाप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। और इतना कहते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोते के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इससे माता सीता को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स पर जय श्री राम लिखना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।